हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट वन, वहाँ पर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस जानी थी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, चार्जिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जानी थी। अब इस वीडियो में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे, परमिटिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। देखिए, थ्योरी पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर थ्योरी नहीं समझाएंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए थ्योरी को समझाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट पूरा मत पढ़िए, पूरा जो भी आपके काम की चीज़ है सिर्फ उतना उतना समझ लीजिए, बस बहुत है उतना। तो चलिए, इसी में हम लोग बात करते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, देखिए, सपोज़ एक आपका चार्ज है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, इस पर एक चार्ज लग रहा है Q1, और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज लग रहा है Q2। और मैं मान लेता हूँ सपोज़ कि दोनों ही सेम नेचर के चार्जेस हैं, मतलब कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और मैं मान लेता हूँ कि इस पर एक चार्ज F लग रहा है तो इस पर भी चार्ज F लगेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, जैसे सपोज़ आप अर्थ पर खड़े हुए हैं तो क्या होता है, आप जितना फोर्स अर्थ पर लगाते हैं अर्थ उतना ही फोर्स आप पर लगाता है, या अर्थ जिस फोर्स से आपको अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स से आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर अपोजिट सेम फोर्स लगा रहे हैं, उसको नाम दे दिया F। अब क्या होता है, जो चार्ज जो फोर्स होता है F, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स बढ़ेगा, अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो फोर्स भी हमारा डबल हो जाएगा, चार्ज को ट्रिपल करेंगे तो फोर्स भी हमारा जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। अब अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द चार्जेस। दोनों चार्ज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फोर्स लगता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच सपोज़ एक डिस्टेंस है r। अब इसका और फोर्स का रिलेशन क्या कहता है, वो बोलता है F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। मतलब कि अगर रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, रेडियस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या हुआ, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया तो हम एक यहाँ पर कांस्टेंट ले आए, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2, और इस K को हमने नाम दे दिया कूलॉम्स कांस्टेंट, इसी को हमने बोल दिया कूलॉम्स कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या होती है हमारी, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ये होती है K की वैल्यू। अब देखिए, हमें क्या फाइंड करना होता है, के की यूनिट क्या होती है, यूनिट निकाल लेते हैं के की। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2। तो के को हम क्या लिख सकते हैं, F R2 डिवाइडेड बाई Q1 Q2। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, SI यूनिट है, रेडियस का यानी कि लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर, और Q1 क्या है, ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर इंटू मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम इंटू कूलॉम यानी कि कूलॉम स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट हुआ ये क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये हो गया हमारा के का यूनिट, के क्या है, कूलॉम्स कॉन्स्टेंट। और देखिए, यहाँ पर जो हमारा मीडियम है ये क्या है, एयर या फिर स्पेस। तो जब एयर और स्पेस होता है तब हमारा कूलॉम्स कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। देखिए, इसके बाद क्या हुआ, जो कूलॉम्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम लोगों ने दे दी मॉडर्न डेज में 1/4 πε₀।
वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम बोलिए, या आप इसको बोल दीजिए ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब ही होता है वैक्यूम। अब देखिए, जब यहाँ पर हमारा जो दो दो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच जो पूरा सिस्टम है, इसमें अगर हमारा मीडियम एयर या स्पेस या वैक्यूम होगा, तब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चलेगा कूलॉम्स कांस्टेंट। अगर यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है इसमें अगर मीडियम चेंज होता है, तो कूलॉम्स का कांस्टेंट जो होता है ये भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आपका वाटर होता है, सपोज़ अभी यहाँ पर मैंने माना कि एयर है स्पेस है, तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, के की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/4πε0। तो ये क्या होगा, के की जगह पर हमने पुट किया 1/4πε0 Q1 Q2 / r2। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन वॉट नॉट की वैल्यू क्या होती है और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है। हमने के की जगह पर पुट किया है 1/4πε0। के की यूनिट आपको पता है, के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब के की यूनिट ये है, तो फिर इसकी जगह पर जो हमने वैल्यू पुट करी है 1/4πε0, इसकी यूनिट भी यही होगी। तो अब साइलेंट नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/4π, इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 1/ε0। अभी यूनिट निकालना है, 4π का कोई मतलब नहीं बिकॉज ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती है, तो 1/ε0 की यूनिट है ये। तो ε0 क्या होगा, इसका इन्वर्स कर दीजिए, ε0 इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका ε0 का यूनिट। ε0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की आपकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻¹². और यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो सिस्टम था, हमने मीडियम माना था कि एयर है या स्पेस है या वैक्यूम है। अब क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है, सपोज़ हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वाटर है, अगर यहाँ पर फोर्स हमारा जब एयर है या स्पेस है, तो हमारा फोर्स अगर सपोज़ एज एन एग्जांपल हम मानते हैं कि यहाँ पर 100 N का फोर्स लग रहा है, और अगर हमारा यहाँ पर मीडियम होता है वाटर, तो जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, 100 N/81। तो ये 81 क्या है, 81 इज़ द इनहेरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी 81 को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। ऐसे ही अगर हम इसको केरोसिन में रखते हैं, तो केरोसिन में क्या हो जाता है, केरोसिन की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 2। तो अगर मान लेते हैं कि सपोज कोई सिस्टम है, वहाँ पर अगर एयर और स्पेस है, वहाँ पर अगर हमारा फोर्स लग रहा है 100 N का, और अगर हम उसको मीडियम को चेंज करते हैं, वहाँ पर हम केरोसिन लाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, 100 N/2। सो ये जो 2 है ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन। अब देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ सिस्टम इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन दैट सेम सिस्टम इन दैट मीडियम। तो मतलब कि अगर सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, वहाँ पर अगर मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम है, तो वहाँ पर फोर्स लग रहा है FA, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहता है, फोर्स इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम अपॉन फोर्स इन दैट मीडियम।
सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि जो दूसरा मीडियम है उसमें जो हमारा वहाँ पर ले लेते हैं अगर हम वाटर FW। अब यहाँ पर फोर्स क्या कहता है, फोर्स कहता है हमारा इसकी वैल्यू होती है 1/4 π ε0 Q1 Q2 √R2। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा जो ये सिस्टम है इसमें हमने मीडियम माना है वाटर। अब यहाँ पर हमारा अगर वाटर है तो क्या हो जाएगा, एफ वाटर का आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, यहाँ पर FW नहीं होगा ε0 होगा। अभी जो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पर एयर और वैक्यूम है वहाँ पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो वाटर में क्या हो जाता है 100 न्यूटन/81, यानी कि ये 81 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 π, इसको EW से डिनोट करिए या कहीं कहीं ERW लिख दिया जाता है, तो ERW लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ERW लिख देते हैं और इंटू ε0 Q1 Q2 √R2। ये हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा परमिटिविटी है ये क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, और ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिख देते हैं, फ्री स्पेस। अब देखिए यहाँ से हमको एक टर्म मिला ε0 × ε0 × ε RW, इसको हमने माना, एक टर्म का नाम दे दिया EW = ε0 × ε RW। EW हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, या EM लिख देते हैं इसको अगर हम, इसका मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर हम यहाँ पर इसको EW मानते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो अगर किसी मीडियम की हमको एब्सोल्यूट परमिटिविटी चाहिए तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम = एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस बोल सकते हैं इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, इसको EM- से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम = एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस × रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये तो थी बात हमारी कूलॉम्स लॉ की और परमिटिविटी की। परमिटिविटी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आता है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, कि सब जगह ही के यूज़ होता है या डिफरेंट होता है। तो डिपेंड करता है हमारे मीडियम पर, अगर मीडियम एयर है, स्पेस है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो वहाँ पर कूलॉम्स कॉन्स्टेंट चलता है, वहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर आपका फ्री स्पेस चलता है। और अगर सिस्टम चेंज होता है, वहाँ पर हमारा मीडियम चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टेंट होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, जैसे सपोज़ यहाँ पर एक चार्ज है हमारा कैपिटल क्यू, और यहाँ पर हम एक दूसरा चार्ज लाए स्मॉल क्यू, तो ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रो ये जो हम चार्ज दूसरा चार्ज लाए हैं प्लस क्यू स्मॉल क्यू प्लस का कैपिटल क्यू जो है, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को अपने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जितने रीजन में हमारा जो ये फोर्स लगेगा, इस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी पता करना होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सपोज कोई एक पॉइंट है ये पी, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है ई वन, इस डायरेक्शन में लग रहा है ई टू, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा हमारा, ई वन प्लस ई टू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दो चार्जेस हैं, एक कैपिटल क्यू है दूसरा स्मॉल क्यू है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया है बिकॉज हमने यहाँ पर जो मीडियम है हमने इसको माना है कि ये एक फ्री स्पेस है, तो हमने एप्सिलॉन नॉट लिया। कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आएगा, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको रिजल्टेंट बताना होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, ई वन प्लस ई टू। ठीक है, अब चलिए एक एस सी वर्मा में एक न्यूमेरिकल दिया गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एस सी वर्मा में पेज नंबर 106 पे एग्जाम्पल 29.1 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन अ पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ये ए है ये बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक चार्ज है हमारा, इसकी वैल्यू है +10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है -10 माइक्रोकूलम, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। बोला गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट। यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसकी डिस्टेंस दे दी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हमने नाम दे दिया ई ए, और ये जो बी वाला जो हमारा ये है पॉइंट चार्ज, इस डायरेक्शन में एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसको हमने दे दिया ई बी। अब हमें क्या बताना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मतलब कि इसका रिजल्टेंट बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक बार अपनी तरफ से ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा खुद से करने का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कैपिटल क्यू कितना आपका 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो भी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर हमें आर क्या लेना है, यहाँ पर रेडियस क्या लेना है, हमने जो चार्ज लिया अभी क्या लिया है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम, तो इससे जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इस वजह से, तो यहाँ पर हमें जो आर है वो ये डिस्टेंस बतानी है, यानी कि ए पी हमको फाइंड करना है ए पी। तो ए पी क्या हो जाएगा, ये पूरा 10 है, इसका हाफ कितना है, ये 5, ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर आर की वैल्यू रख दीजिए आप 13। सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लीजिए। जब आप ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा वो आएगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से जनरेट हुई है, +10 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से। अब ऐसे ही -10 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। यहां पर देख लीजिए ये एंगल अगर सपोज थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा बिकॉज
दोनों दो साइड्स इक्वल है, ये कितना है 5 है, ये भी 5 है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। जब वो मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा इसको। अब ये पूरा आप देख सकते हैं 90 है, ये कितना, ये वाला जब हमारा थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये पूरा कितना है 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ऐसे ही ये भी हमारा निकलेगा, ये कितना निकलेगा थीटा। तो जो रिजल्टेंट हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये कॉस थीटा क्यों लिया गया, ये मैं आपको जब मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया था और काइनेमेटिक्स पढ़ाया था वहाँ पर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, कौन सा मैग्नीट्यूड कब लिया जाता है, कंपोनेंट्स निकाले थे एंगल के, एक थीटा आता था तो वहाँ पर पास वाले को कॉस थीटा लेते थे, दूसरे वाले को साइन थीटा लेते थे। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे हुआ है तो आप वाला वीडियो देख सकते हैं। और देखिए क्या हम अभी यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो हमें यहाँ प्लस और माइनस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, इसकी भी वैल्यू सेम है, इसकी भी वैल्यू सेम है, यानी कि इसको हम अगर इसको भी ई ए लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13। ये मैंने यहाँ पर 5 लिखा, ये 5 नहीं होगा, ये 13 आएगा, ये भी 13 आएगा। देखिए ये एक ट्रायंगल दिया गया है, ये थीटा है, ये 5 है, ये आपका 12 है, ये 13 है। तो बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ये आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये 5 12 13 वाला ट्रायंगल यहाँ पर क्या होता है, टू ई ए, ई ए कितना है, ई यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, उसका मैग्नीट्यूड है 5.3 × 10⁶ × 5/13। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही हमारा इसका आंसर है। इसमें और भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं, अभी आगे जो और वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को अब हम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड होंगी कूलॉम्स लॉ से और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। आपको अगर लगाना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, पेज नंबर 106 से स्टार्टिंग है इस तरह के क्वेश्चंस की, आप अपनी तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।